बरेली से इस वक्त बड़ी खबर देखने के लिए मिल रही है। बरेली के थाना हाफिजगंज के सेथल में एक 85 साल की बुजुर्ग महिला के साथ में 35 साल के युवक ने रेप किया। बताया जा रहा है रेप के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो जाती है। मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंचती है और पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचते हैं। आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको बता दिया जाए, बुजुर्ग महिला अकेले ही घर में रहती थी, पास में ही उसके कुछ रिश्तेदार रहते थे। भावच की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। पुलिस की कस्टडी में है आरोपी युवक, नाम है राकेश कुमार। बताया जा रहा है ये शराब का आदी है। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है ये आप सुने। आज दिनांक 29/7/24 को कस्बा सेंट्रल से थाना हाफिजगंज में सूचना प्राप्त हुई कि एक 85 वर्षीय वृद्धा निवासिनी सेंथल थाना हाफिजगंज के साथ गांव के ही एक नामजद व्यक्ति ने दुष्कर्म किया, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस तथा अन्य अधिकारीगण ने मौके का मुआयना किया है। सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित की गई है। मृतका की भाभी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया जा रहा है और शीघ्र ही इस प्रकरण में अग्रिम विधि कार्रवाई संपादित की जाएगी। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि नामजद व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ प्रारंभ कर दी है और शीघ्र ही इस प्रकरण में संपूर्ण खुलासा कर आवश्यक विधि कार्रवाई संपन्न की जाएगी। और इस बुजुर्ग महिला के परिजनों का क्या कुछ कहना है ये भी आप सुने। मामला दो समुदायों के बीच का था, इसलिए मौके पर पुलिस को तैनात कर दिया गया। फिलहाल आपको बता दें, शांति का माहौल देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि आरोपी युवक को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है और अब उससे पूछताछ जारी है। मैं आई बैंक की तरफ से, ये बेटी आई पानी पिलाने के लिए। बोली मैं घबराहट सी हो रही, जब खाना खाऊंगी और मैं पानी पिला दूँ भुक्को को, ठीक। इतने में मैं भी उधर से आ गई। जब मैं आई तो इधर कुंडी लगी हुई थी अंदर से, अंदर से जब कुंडी हुई तो घबराहट हुई, कौन है क्या है। जब अंदर हमारी दौरानी है, उनको ऊपर भेजा, उस बच्चे को भेजा, कहा कि ऊपर जाके देखो कौन है। जब देखा तो वो उनको ले जा चुका अंदर। अंदर कौन आदमी था? वो बढ़िया का लड़का है, अच्छा, राकेश नाम है उसका। तो कोई ने कुछ गलत काम भी किया है? हाँ। और जो आपकी वो कौन थी? वो नन। कितनी उम्र लगभग उनकी? अभी बताई थी 85 साल की। इनके जो दो बेटे हैं वो खत्म हो चुके हैं। इनकी जो बेटी है उनकी शादी हो चुकी है, घर में अकेले रहती थी। एक महीने से जो है इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, ये दूध और पानी पी रहे थे। तीन बार ये घर पर पहले आ चुका है तो सबको समझाया गया था, आना जाना कुछ नहीं था साहब, ये अकेली रहती थी। तो ये वो मतलब आता जाता रहता था, रात में भी दिन में भी ऐसे करके। जी, क्या करा था इसने? मतलब ये घर के अंदर घुस के जबरदस्ती, और इसका लोवर वहां पर रह गया था, गंदी हरकत की इसने, और इसकी चप्पल भी वहां रह गई थी। उनकी चुनरी छीन के ये भागा है। पुलिस प्रशासन ने हमारा बहुत बहुत साथ दिया। कब से रह रहा था? रह नहीं रहा था, ये मोहल्ले के बगल में ही रहता है, वहां से आता जाता रहता। पहली बार काम गलत काम किया इसने? और इससे पहले तीन बार कर चुका था, सूचना दी थी तो उसको समझा दिया था, लेकिन ये माना नहीं। कैसे सिद्ध हुआ इसका आपने ये काम? ये कुछ मोहल्ले की मतलब जो भी महिला वगैरह हैं या कोई भी किसी भी धार्मिक थी, तो उन लोगों ने देख के फिर उसको भगाया, तो ये भाग गया था। इसको पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया।